Hello guys, welcome back to my YouTube channel and you guys are watching Aryan Singh. Hope you like this video. दिन की स्टार्टिंग हमारी फिर से आज कार में ही हुई है और हम जा रहे हैं मौसी के घर. रीज़न ये है कि मॉम को लास्ट 3 डेज से टीथ में पेन हो रहा था, बट तब तक वो बेरेबल था. बट लास्ट नाइट उन्हें टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हुआ, उसके चक्कर में हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा है. वो हमारा फैमिली डेंटिस्ट है, वो मादीपुर में है उनकी शॉप. तो अपॉइंटमेंट तो बुक कर ली है, 1 o'clock की अपॉइंटमेंट है. अब चलते हैं डेली और मॉम को दिखाते हैं डॉक्टर. ये पेन मैंने फेस किया हुआ है क्योंकि जब मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे को भी कैविटी हो गई थी, तो बहुत दर्द होता है, बेरेबल बिल्कुल नहीं है. फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेटर है. ये लोग कभी सुधर ही नहीं सकते. हाय बदबू, यहाँ से बाहर निकलते ही बदबू कितनी ज़्यादा है. शीशा बंदी कर दो तो ही ज़्यादा अच्छा है. वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि दिल्ली में फॉग चल रहा है. फॉग नहीं, ये पोल्यूशन है. पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में लास्ट 3-4 डेज में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है. अगर मेरी एज के बंदों को अगर ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ रही है तो सोचिए सीनियर सिटीजन का क्या हाल हो रहा होगा. डैड की हिडन डिज़ायर है कि वो डेली छोड़ के गोवा शिफ्ट हो जाए, बट क्या कर सकते हैं, बिजनेस सारे काम हमारे यहीं पर है, तो वर्क को मैनेज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी. सिर्फ एक यही रीज़न है दिल्ली ना छोड़ने का, अदरवाइज हम बहुत पहले ही छोड़ चुके होते हैं. बेसिकली हम हिमाचली राजपूत हैं. मॉम चाहती हैं कि हम उनके होम टाउन ही शिफ्ट हो जाएं, बट डैड तो डैड है, डोमिनेटिंग नेचर है, ऐसा होने का देंगे. उन्हें बीच साइड पसंद है, तो अगर शिफ्ट हुए तो बीच साइड ही होंगे. स्कूल का नाम तो थोड़ा ढंगा रख लेते यार. क्या नाम रखा स्कूल का? सर छोटू राम मॉडल सीनियर सेकेंडरी. आए मेरे फैंस आएंगे. ऑल ऑफ द सडन एक फैन मूवमेंट हो गया. कुछ फैंस मेरे को मिल गए थे जो बस में बैठे हुए मेरे को हाई कर रहे थे. हो सकता है मेरे कोई सब्सक्राइबर ही हो, झूठ बोलने में क्या ही जाता है. किया वालों का सुधरना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. परसों उन्होंने कार दी थी ये बोल के कि उन्होंने DPF का पार्ट चेंज कर दिया है और आज उसमें लाइट फिर जल गई है. पता नहीं क्या सर्विस है इनकी. इतनी बड़ी गलती लगती है ना, जब जब इस कार को देख लो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है. और जब से इनके पास सर्विस सेंटर में आ जाती है तो कुछ ना कुछ ख़राब होके ही आता है. अभी मेरी जस्ट उनसे बात हुई है, मिस्टर सौरभ से. उन्होंने बोल दिया कि मैं अभी तो हॉस्पिटल में हूँ, आप GL सर से बात कर लीजिए. अब देखते हैं पता नहीं क्या होता है, बात करके आपको बताता हूँ. आ गया काले मुँह का बंदर, आ गया. हम पहुँच चुके हैं आना के घर. ये है हमारा काले मुँह का बंदर. हाय कर दे. जब मैं छोटी थी ना 3 इयर्स की, तब मेरे पापा से मैंने कहा कि मुझे एक टेंट हाउस दिला दो. पापा कह रहे चल भाग, पहले पढ़ाई कर फिर ही मिलेगा. मैंने कहा पापा प्लीज एक. पापा ने एक चाटा लगा दिया, मैं रूम से भाग गया. वो हरियाणवी वाला नहीं है जिसका सपना चौधरी वाला था. कौन सा गाना? अरे वो नहीं था तेरी आंखों का काजल वाला? अरे मैं कर लूंगी यार, तुम मेरे साथ आके गाना. तू उसको दास करेगी, जिसके रिश्तेदारों को नहीं देखेगा. अपनी कोई हरकत मत कर देना. तू बना रही है मेरे दोस्त भी देखते हैं. मम्मी की हरकत मत कर देना. तू भी तो बता, तुझे मेरी फ्रेंडों से बड़ी दिक्कत होती है. आपको क्या मेरी फ्रेंडों से दिक्कत हो रही है? फिर तू क्यों बकवास करे जा रही है? तो फिर आप क्या बोल रहे हो? मैं अभी 4 घंटे बाद आई हूँ, बस आके लेट यू टी शर्ट चेंज कर. बोल तो रही हूँ भी कर लूँगी यार. पसी ये प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करो. मुझे नहीं आता. आते ही ये मैं नहीं कर पाऊँगी. ओए ये रिकॉर्ड हुआ है ना? मौसी ये प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर दो. मैं नहीं कर सकती. चलो आना, बाय बाय. ठीक है, बाय बाय. व्लॉग्स में मिलते हैं और okay. वीडियो कॉल पे मंडे को आना. ठीक है, बाय मौसा. फाइनली हम घर के लिए निकल चुके हैं. डॉक्टर ने मॉम को मंडे के लिए बुलाया है क्योंकि आज में तो उसकी कैविटी निकल नहीं सकती थी. अब देखते हैं मंडे को हम लोग आते हैं कि नहीं, क्योंकि गुरुपूर्व है और उस दिन ट्रैफिक बहुत होगा, तो शायद मैं और मेरी सिस्टर तो अवॉइड करें, पापा और मॉम आ जाएंगे. पापा चाहते हैं कि मंडे को वो मेट्रो में ही आएँ क्योंकि गुरपुरब के चक्कर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा. आप सब समझ ही सकते हैं, पंजाबी फेस्टिवल है और जो डेंटिस्ट की शॉप है उनके जस्ट साथ ही गुरुद्वारा है,
तो जब पूरा रश होगा कार पार्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आई गेस मेट्रो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा उन लोगों के लिए। अभी अभी आपने जो जाम देखा उसका मेन रीजन बहुत ही अजीब और बहुत ही छोटा सा है। जिसने भी ये पुल डिज़ाइन किया था वो ऑथराइज पर्सन से एक इतनी बड़ी गलती हो गई कि पुल की एंट्री प्लेस थी वो बहुत ही छोटी बना दी। इसके चक्कर में जो भी एंट्री लेने के टाइम नॉट मोर देन 2 और 3 कार से ज़्यादा एक बारी में जा नहीं सकती। ऐसे फॉल्ट दिल्ली में कई जगह है। दिल्ली गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि वो अपनी टेक्निकल टीम के साथ मिलकर ये देख पाए कि कहाँ कहाँ पे है और उस चीज़ को कैसे स्मूथ कर सके, क्योंकि फालतू का क्योस करने से जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं।